माँ, मेरे गले में कुछ हो रहा है। एक औरत मां तब बनती है जब उसे बच्चा होता है, और बच्चा ना होने का दर्द वही मां समझ सकती है जिसकी कोख हमेशा सुनी रहती है। एक बच्चा पाने की लालसा में मां ना जाने कितने डॉक्टर और ना जाने कितने मंदिर मस्जिद वो बाबाओं के पास जाती है और हमेशा उन्हें बदलती रहती है। सलाम है उन मां को जो बच्चे की एक छींक पर परेशान होकर डॉक्टर के पास चली जाती है। अपने बच्चों के सुख के लिए ये मां न जाने कितने दुख झेलती है, ये हम मर्द महसूस भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं दीपक सोनी क्राइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो आपने देखा, एक बेटे ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, जबकि 100 बलाओं से बचाने वाली उसकी मां अगर अपने बेटे को नहीं बचा सके, क्या अपने जिगर के टुकड़े को उसी मां ने मार डाला या फिर किसी और ने उसके खाने में जहर डाला? आइए देखते हैं। अच्छा सुनो। हाँ सर, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ जाओ। ठीक है सर, लेकर आता हूँ, जल्दी जाओ। ओके सर, ये मैडम को कुछ काम है, आपसे बात करेगी। धीरज रखिए, आराम से बोलिए, बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने बेटे का मर्डर कर दिया है। बेटे का मर्डर कर दिया? अरे आप उसकी अपनी माँ है ना। हाँ, अब दर्द हो रहा है तो तुमने मारा क्यों उसको, और तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें क्यों दौड़ रही हैं? अरे अरे धीरज रखिए, अरे जरा पानी देना, पानी पिलाओ मैडम को। लीजिए पानी, पानी पीजिए मैडम, पहले पानी पीजिए फिर बाद में बात करते हैं। चाय पिलाऊं क्या सर? चाय पियेंगे आप? ठीक है, चलिए कोई बात। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। मैटर क्या है बताइए। मैंने उसके खाने में जहर देके मार डाला। क्या? अरे आप तो उसकी सगी माँ है ना। नहीं नहीं, पहले आप अपने होशो हवास में ये बताइए कि आप उसकी सगी माँ हैं या नहीं हैं। मैंने अपने बेटे को मार डाला। क्यों, अपने बेटे को कोई माँ मार सकती है? आप जरूर, आप पागलपन के शिकार हो चुके हैं, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई भी माँ अपने बेटे को कुछ भी हो जाए मार सकती है, आप बताइए। आखिर माँ है ना आप, तो माँ कैसे मार सकती है अपने बेटे को? पहले आप सोच समझ के बताइए कि आपने उसे मारा हकीकत में? खाने में जहर देके मैंने मार दिया उसे। नाम क्या है? बिमला सिंह। आपने सरनेम क्या बोला? बिमला सिंह। एक मिनट, लिखता हूँ, विमला सिंह। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो रिटायर्ड है। कहाँ काम करते थे? कंपनी में। रहते कहाँ थे, कौन सी कंपनी में? देखिए, छुपाने की कुछ कोशिश मत कीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा। आपके हस्बैंड कहाँ काम करते थे ये बताइए। काम करते थे बैंक में। तो कंपनी क्यों बोल रही है? बेटा क्या करता है आपका? कुछ नहीं, पढ़ाई करता है। आप जानती हैं इसकी क्या सजा हो सकती है आपको, कितना संगीन जुर्म किया है आपने अपने बेटे के ऊपर, वो भी बहुत बड़ा जुर्म किया है आपने। खुद के बेटे को मार के आप यहाँ पे रो रही हैं, आके शर्म आनी चाहिए आपको। माँ हैं आप माँ हैं?
किस एंगल से मैं आपको माँ कहूँ? अगर आप ऐसे करने लगेंगी तो दुनिया में जितनी माएँ हैं और जो लोग माँ और बहन पे विश्वास करते हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? किस पर विश्वास करेंगे? वाह वाह, ऊपर वाले वाह वाह, कमाल की चीज तुमने बनाई थी औरत। औरत अब खुद अपनी संतान को मारने लग जाएगी हा? तो फिर समाज का क्या होगा बताइए? मेरे बेटे ने ऐसा कांड किया था कि उसकी माफी नहीं थी। लाश कहाँ पे? घर पे। ए, देखो इनको गिरफ्तार कर लो जुर्म करने के आधार पे, ठीक है? और इन्हें वारदात की जगह पे लेकर चलो इन्वेस्टिगेशन के लिए। कैसे कैसे केसेस आते हैं। चलिए चलिए। ओह माय गॉड, हटिए। डॉक्टर साहब जरा देखिए ना इसे। देखता हूँ। कोई चांस? नो नो, पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। और ये खाना कब का दिया हुआ है? ये तो कह रहे हैं शायद आज ही मर्डर जब हुआ तब का दिया हुआ है, तो इसका टेस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसको पैक करवाइए। इस मर्डर की जांच करने के लिए हमें अच्छी तस्वीर चाहिए, ठीक है? इन सारी चीजों की अच्छी से तस्वीर ले लो। ओके सर, ओके। लग रहा है ये 2-3 घंटा पहले हुआ है। हाँ, खाना कहाँ से मंगवाया था आपने? मैंने खुद बनाया था घर पर। और जहर उसमें दे दिया? वाह, क्या जमाना आ गया है। माँ खुद खाना बना के जहर डालती है और बच्चों को खिलाती है। चाहे कुछ भी गलती हो, बच्चे ने गलती की थी तो मार डालोगी तुम अपने बच्चे को? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे सोचना चाहिए, प्यार अनेकों है दुनिया में पर माँ जैसा कोई प्यार नहीं। लाख करो माँ के खातिर पर हो सकता उपकार नहीं। लोग बोलते हैं शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा करते हुए। आपको तो सोचना चाहिए था, ग्रंथों में किताब में सब जगह यही लिखा हुआ है, पूत तो कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। आपने ऐसा कदम कैसे उठा लिया? मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही डिसीजन लिया। कैसा डिसीजन सही लिया आपने? क्या कर दिया था इसने? जो काम इसने किया उसकी माफी कभी नहीं होनी चाहिए। और किसी भी नारी जाति का अपमान मैं होने नहीं दूंगी। अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसका भी मर्डर कर देती। तो पहले आपने समझाया नहीं इसे? मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी रही होगी ना, जब ही इसने ऐसा काम किया मैंने जना मैंने ही खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगी? कानून के भरोसे नहीं बैठ सकती मैं। ठीक है, आपका फैसला अब अदालत में होगा। मंजूर है मुझे सारे खुद अगर कबूल कर रही हैं माता श्री तो हमें क्या कहना है। हवलदार गिरफ्तार करो। जी सर। अरेस्ट कर। ठीक है सर। आपने देखा, मां कह रही है कि उसने अपने बेटे को जहर देकर मार डाला। आखिर इतना बड़ा और इतना खतरनाक कदम कोई मां कैसे उठा सकती है? आखिर उस मासूम से दिखने वाले बेटे का क्या कसूर होगा? आइए देखते हैं। हेलो आंटी। अरे शिवानी आओ बैठो, ये मम्मी ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। अरे तू बैठ तो पहले, नाश्ता बाद में ले लूंगी।
बैठ। कैसे हैं आप? क्या है इसमें? मैं अच्छी हूँ, मम्मा कैसी है? ठीक है। डैडी? मम्मा क्यों नहीं आई? मम्मी थोड़ा बिजी हो गया है काम में। अच्छा, और बता पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, अब आगे क्या करने का प्लान है? वही, टीचर बन के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, और पढ़ाने की कोशिश भी कर रही हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छा ख्याल है। इट्स मींस आप फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो बच्चों का। वेरी गुड। और आंटी, अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पर? अंकल अंदर है, काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या खाएगी बता? कुछ नहीं। चाय पिएगी या नहीं? नहीं आंटी, कुछ नहीं पीऊंगी मैं। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं पीऊंगी। ओके, मैं जाती हूँ। ऐसे कैसे कुछ नहीं पिएगी? नहीं नहीं, फिर कभी आंटी। अरे नहीं, तू बैठना। ठीक है, फिर आती रहना। हाँ ओके ओके आंटी, ओके। मम्मी को बोलना याद किया मैं। हाँ जी, बाय बाय। मम्मी, खाना लाओ यार, भूख लगी है। हाँ बेटा, ला रही हूँ, पहले फ्रेश तो हो जाओ। फ्रेश ही हूँ मम्मी, खाना तो तुम दो। अरे बाबा, ला रही हूँ ला रही हूँ। हेलो। अबे साले, मैंने तुझे बताया था ना उधर से ही जाना था, तो फिर भी तू उधर गया। साले, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चूतिया साला, अभी जा समझाओ उसको जाके। बेटा जी, किससे बात कर रहे थे इतने प्यार से? हाँ, इस तरीके से बात करते हो? मैंने ऐसी शिक्षा दी है तुम्हें बात करने की? ये औरतों अलग घर है, घर में माँ है, बहन है, जरा भी रिस्पेक्ट नहीं? फोन लाओ, इधर दो मुझे। अरे फोन दे मुझे। तू ऐसे नहीं सुनेगा ना? ला फोन दे मुझे। क्या कह रहे हो सुनना पहले। मम्मी ज्यादा ज्ञान मत दो। बात कर। खाना लेके आओ, मैंने खाना देने के लिए बोला था ना आपको। जाओ खाना लेके आओ, जाओ। मेरी शिक्षा ऐसी नहीं है। कौन शादी करेगा ऐसे बदतमीज बच्चे से? अरे मेरे लिए खाना लाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाओ। ला रही हूँ। क्या हुआ भाई, इतना टेंशन में क्यों है? लगता है कोई माल मिल गया है। नहीं यार, वो पहले वाली रेणु जी है ना, वो यार देने से मना कर रही है यार। दे नहीं रही है। दे नहीं रही है मतलब मना कर रही है क्या? बहुत ड्रामा कर रही है यार, मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही है। इतना एटीट्यूड है ना उसके अंदर, उसको मुझे लेना है यार। अरे यार, उसको लेना है उसको यार। कुछ भी कहो, माल कड़क है, छोड़ना मत उसको। नहीं मान रही है ना यार। ऐसा तो कभी नहीं होता था। पूछ मत मेरा क्या हाल हो गया है, समझा? बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा, जब से उसको देखा हूं ना। वो बोल क्या रही है यार? वो बोल ही तो नहीं रही है, देने के लिए राजी नहीं है यार। उसको मैं कितना पूछ मत, इतना फोर्स किया, वो देने के लिए राजी नहीं है यार। अरे यार, आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल सब पे भेज सकते हो कुछ भी। सब ट्राई किया भेजने का ना, वो भी करके आजमा लो। सब कुछ करके देख लिया यार। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं लूंगा, और ऐसा लूंगा ना कि खा जा, जैसे खा जा उसको, खाना। बहुत बहुत मजा देगी यार, बहुत ज्यादा खाना। लेकिन उसके लिए उस तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। सही बात है भाई, दिमाग लगाएगा तभी ऐसा माल मिलेगा। लगाएंगे। कहाँ रह गए यार? आ गए, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे।
क्या बदतमीजी है? देख, प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा यार, अभी भी टाइम है तेरे पास, नहीं तो सोच ले। तेरे को लाइक करता हूँ इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ। क्या समझता है? नहीं मानेगी ना? क्या भाई, ट्राई तो कर रहा है, देगी कि नहीं वही बता। माल मस्त है लेकिन देना तो चाहिए। देख भाई का टैलेंट भी आज पता चल ही जाएगा, देखते हैं कि क्या टैलेंट। अरे मोटा शरीर है और लड़की से बात करेगा मेहरारू जैसा, तो कोई लड़की देगा नहीं? कैसे देगा भाई, जबरदस्ती करना पड़ेगा। छट करके पकड़ लो, कस लो उसको, और जब उसके बदन पे कोई हाथ लगाएगा ना, समझ जा। क्या तू देगी या नहीं देगी यार बता? क्या देगी कि नहीं देगी? तू प्यार से दे दे मुझे। क्या तू प्यार से देगी या नहीं देगी? क्या देगी कि नहीं? क्या देख, तू प्यार से दे दे। क्या दे दे? देगी या नहीं देगी? क्या दे दे? तू देगी या नहीं देगी? नहीं देती। देखो ऐसा मत करो, तुमको वैसा ही करना है तो चलो शादी कर लेते हैं। चल, तेरे में हिम्मत है शादी करने का? चल मुझसे शादी कर ले, चल शादी करने का हिम्मत है? चलना चलना दिखाती हूँ, आ जा शादी करने, चल अभी, चल अभी, चल अभी, चल। शादी कर नहीं सकता है? क्या देगी कि नहीं देगी? हाँ आइंदा ऐसा कभी नहीं करना, हाँ बोल देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, देख एक ना एक दिन मैं इसकी लेके रहूंगा और ऐसी लूंगा ना। एक बात बोलू भाई, बॉडी बना लिया, दिमाग नहीं है थोड़ा भी, थोड़ा दिमाग लगाता मजा आ जाता भाई। तेरे भाई ने इतनी लड़कियों को लिया ना, इतनी लड़कियों को लिया ना, बट यही साली नहीं मिल रही है। बहुत परेशान कर दिया साली ने यार, बहुत परेशान कर दिया। एक टाइम ऐसा आएगा मेरे नीचे गिड़गिड़ आएगी। वो टाइम आएगा कभी? जल्द आएगा, जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। देगी या नहीं, क्या है ये? What is this? जिस चीज को ये लड़का खेल समझ रहा है वो एक लड़की के लिए उसकी इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान है। लड़कियों के शरीर को खिलौना समझने वाले मानसिकता वाले लड़के क्या हमारे समाज के लिए हितकारी है? क्या लड़की ने गलत कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी कर लो? क्या लड़का शादी करेगा? क्या इन दोनों के रिश्ते से मां नाराज होकर लड़के को मार डालेगी? आइए देखते हैं। सुनाई नहीं देता, बेल बज रही है, दरवाजा नहीं खोल सकता है? मैं दरवाजा खोलने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? अरे शिवानी तू आओ। आओ अंदर बैठते। लगता है मेरी माँ से कंप्लेन करने आई है। एक मिनट, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, आजा। अच्छा हुआ तू आ गई। आंटी क्या बना रहे हैं? ये अरहर की दाल है और हाँ अचार भी मैंने मंगाया है। ये मम्मी को दे देना याद से, ठीक है? जी। और आंटी कुछ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। हेलो यार, देख जिस लड़की को मैं छेड़ता था ना वो आज मेरे घर तक आ गई है। देख उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्दी, तू समझ रहा है ना? आज मेरी माँ से कंप्लेन करने आई है वो। हाँ उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है तू सब दोस्त को लेके आ। हाँ हाँ चला जा। हाँ कुछ बताना चाहती हूँ मैं आपसे। अरे बताना, बोलना। वो कौन था वो बैठा हुआ? वो मेरा बेटा है। बड़ा प्यारा है, वो तो मेरे को रोज छेड़ते रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहुत समझदार बच्चा है मेरा। नहीं बहुत बदमाश है, रोज छेड़ता है मेरे को।
अंतिम में तो परेशान हो गए उसके छेड़ने से। प्लीज आप समझाओ उसको। नहीं, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ऐसे कैसे छेड़ेगा। नहीं, रोज रोज छेड़ता है। मेरा बेटा है वो, रोज रोज छेड़ता रहता है मुझे। मैं परेशान हो गई हूँ। मैं तो सामने बुला के पूछूंगी तुम्हें परेशान करता या नहीं करता। अब पूछो। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। जाओ जाओ, ये लेके जाओ याद से। जी अच्छा आंटी, ठीक है। बाय आंटी, बाय। क्या करूं मैं अपने इस बच्चे का, जो सोचती नहीं वो काम कर जाता है ये। हे भगवान, इकलौता बेटा है मेरा, कुछ बोलने भी नहीं बन रहा है, कैसे समझाऊं इसको। हे भगवान, सर दुखने लग गया मेरा ऐसी बातें सुन सुन के। चलो यार, वो सही बोलता होगा। कहां मर गए थे साले तुम लोग यार, साले इतने में तो लड़की निकल जाएगी यार। देख तू नीचे जा और तू ऊपर जा, कोई नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। जा तू ऊपर जा और तू नीचे जा। ठीक है। तुम लोग कौन हो? चुप, देखो आंटी को बोल दूंगी। चुप चुप, चल भाई चुप चल। बहुत छोटा है, चल तू ऊपर जा। छोड़। शिवानी के साथ मुकेश ने जानवरों की तरह नोच खसोट कर अपनी शारीरिक भूख तो मिटा ली, लेकिन क्या उसे पता था कि आज उस लड़की की क्या हालत हुई होगी। आज वो कोमा में है और उसके घर वाले उसके मां बाप के ऊपर सोचों की पहाड़ी टूट गया हो। आखिर उस लड़की की क्या गलती थी, यही कि वो लड़की पैदा हुई थी। अगर लड़की पैदा होना गुनाह है तो फिर हमारी मां हमारी बहनें कहां से आएंगी, और सोचो हम कहां से आएंगे, समाज कैसे बनेगा। इसीलिए हमारा दायित्व है कि ऐसे सामाजिक दानों का बहिष्कार कीजिए। हेलो बहन जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बहुत दिनों बाद कॉल किया। बड़ी दुख की बात है मैडम। क्या हुआ? शिवानी थी ना अपने मोहल्ले में। हाँ जी, वो तो मेरी फ्रेंड की बहुत अच्छी बच्ची है। वो अभी क्या कर रही है? अभी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही है। अच्छा, तो कोर्स कर रही है। हाँ, बहुत अच्छे उसके एम्बिशन है, बच्चों का फ्यूचर क्रिएट करना चाहती है। क्या हुआ उसको? उसका रेप हो गया। क्या क्या, उसका रेप हो गया? कब? कल ही शाम को। बट कल शाम को तो वो मेरे पास आई थी। और वो कोमा में चली गई है। बहुत प्यारी बच्ची थी वो। एक काम करो, अभी आप फोन रखो जरा, मैं अपने रहता है।
माँ हर बात समझ जाती है, उसको किसी बात को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपराध किया है तो वो भी समझ जाती है। माँ खाना ला जल्दी, सुन रही है, खाना दे। अरे ला माँ, ये तेरा रोज का ड्रामा, इतना खाना लेट से क्यों लाती है? क्या बनाया है? देख ले। अच्छा बेटा, तुझे पता है? हाँ। अपनी शिवानी। कौन शिवानी? अरे अपने पड़ोस की, मेरी सहेली की बेटी। हाँ तो क्या करूँ उसका मैं? उसके साथ बड़ा बुरा हादसा हुआ। तो क्या हुआ उसको? रेप हो गया। अरे माँ, तू भी ना फिजूल की बातों में पड़ी रहती है। होने देना, दुनिया भर में हो रहे हैं रेप। कितने रेप हो रहे हैं फिजूल की। कहीं तूने तो नहीं किया? तू पागल है क्या माँ? मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, फेंक दूं खाना? सच में नहीं किया? नहीं किया मैंने रेप। चल ठीक है, खाना खाओ। दिमाग खराब कर दिया। माँ पानी दे, मुझे गला खराब हो गया, कुछ हो रहा है गले में। माँ मेरे गले में कुछ हो रहा है। माँ माँ तो देखा आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद।